नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ नेशन में। बड़ी खबर आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा। और बार बार हम दो महीने से जो चीजें दिखा रहे थे, अटकलें लगा रहे थे कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ नेता बनने के लिए पूरा आंदोलन कर रहे हैं, और ये चीजें सामने आ गई है। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और आज कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज एक ऐसे नेता का पर्दाफाश होने जा रहा है। यह एक्सक्लूसिव वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने जिस तरीके से आंदोलन खड़ा किया, इनको समर्थन मिला विपक्षी नेताओं से, उसके बाद राकेश टिकैत की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और सबसे बड़ा राजनीतिक प्रोपेगंडा जो फैलाया, और अब पूरी की पूरी इनकी राजनीतिक चाल सामने आने लगी है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। पहली खबर यह है कि राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कैरियर ढूंढ रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए अभी अभी ऐलान किया है राकेश टिकैत ने। उसके बाद दूसरी खबर यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराने का ऐलान कर रहे हैं। इसी बीच कई किसान नेताओं ने राकेश टिकैत का पुतला भी फूंक दिया छोटे छोटे क्षेत्रीय जगहों में, वो भी आपको दिखाते हैं। क्यों? वजह यह है कि किसानों के नाम का दुरुपयोग किया गया। और चौथी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राकेश टिकैत नहीं, इनके जैसे 10 राकेश टिकैत आ जाएं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि समय है एक लोग जो सिर्फ मोदी के विरोध में पागल है और एक मोदी है जो देश के लिए काम कर रहा है। पहले राकेश टिकैत के बयान की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में अब राजनीतिक पार्टियों के साथ किसान संगठन भी कूदने को तैयार हैं। केंद्र में लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का अगला लक्ष्य बंगाल चुनाव है। ये किसान है कि नेता है, डिसाइड आप कर लीजिए, हम कुछ बोलेंगे नहीं। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि हम पूरे देश का दौरा करेंगे और पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वहां एक किसान नेता ने संकेत दिया, वहीं एक किसान नेता ने यहीं से संकेत दिया कि वे जनता से ऐसे लोगों को वोट नहीं करने के लिए कहेंगे जो किसानों की आजीविका छीन रहा है। क्या किसानों की आजीविका बीजेपी छीन रही है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किसानों के लिए बहुत क्रांतिकारी काम रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ इतना अच्छा कर दिया है किसानों के लिए कि आज सारे के सारे किसान अरबपति हैं? या सिर्फ राकेश टिकैत जैसे कुछ चुनिंदे किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया है? यह सब चीज आप समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है, इसी बहाने इनको बीजेपी के सामने एक मजबूती के साथ पब्लिसिटी मिल रही है, यानी कि पब्लिसिटी स्टंट है। किसान नेताओं ने मंगलवार को गढ़ी सांपला में किसान महापंचायत से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कई राज्य और राज्यों की तरह वे जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पूरे देश का दौरा करेंगे, हम पश्चिम बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी किसानों की समस्या सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदेश सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? बीजेपी को हराने की बात राकेश टिकैत और राकेश टिकैत के लोग कर रहे हैं, यह पूछे जाने पर कि क्या यात्रा पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी होगी, टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि यह मामला नहीं, हम किसानों के मुद्दों के लेकर वहां जाएंगे। लेकिन मामला क्या है, इन्हीं के साथ खड़े एक नेता ने स्पष्ट किया। उसने कहा कि हम अपील करेंगे कि बीजेपी को हराया जाए, और बीजेपी को हराने की अपील का करने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। आप टीएमसी का समर्थन करें या कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, लेकिन किसानों का चोला पहन कर अगर आप समर्थन करते हैं तो ऐसे फर्जी किसानों के ऊपर बरसनी चाहिए गुस्सा असली किसानों की। और देश का असली किसान अपने खेतों में है, न कि वहां पे बॉर्डर पे है। सारे के सारे तोगले रोग, दोगले शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूं, सारे इस टाइप के लोग जाके वहां पे बैठ गए हैं जो अपने आप को तथाकथित कम्युनल कहते हैं, कुछ और कुछ कहते हैं। हम देख रहे हैं तमाम तस्वीरें वीडियोज आ रहे हैं, कुछ बिहार से भी एक दो पहुंचे, हमने वीडियो देखा है, एक दो एक का दुक्का यूपी से जा रहे हैं, बाकी सब पंजाब के हरियाणा के हैं।
इन सब का वीडियो सुनिए, इनके इंटरव्यूज देखिए। पहली चीज तो इनका जो इंटरव्यू लेने जाता है जो पत्रकार है वो पत्रकार नहीं है, दरअसल ऐसे ही बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी है इस देश में, समझ सकते हैं, बेरोजगार लोग हैं और वो जाकर एक मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा से बीजेपी को कोसते आए हैं, बीजेपी का विरोध करते आए हैं, किसी न किसी दूसरी पार्टी से लगाव रहा है, सबसे ज़्यादा वामपंथी विचार से लगाव रहा है। इन लोगों को मौका मिला रिपोर्टिंग करने का, अब ये पहुंचे, वीडियो ऐसे लगाया, मोबाइल रिपोर्ट किया, और रिपोर्टिंग किससे ले रहे हैं, जो हमेशा से बीजेपी का विरोध करता रहा है, यानी कि सत्ता पक्ष का पहले से ही विरोध करता रहा है, उसमें नया नहीं है, तो किसानों की बात इसमें कहां हो रही है। अब ये सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि क्या है, तो कह रहे हैं दो व्यापारियों का कानून है, क्या है, काला कानून है, कमी क्या है, काला कानून है, कमी क्या है, दो व्यापारियों का कानून है। अरे पढ़े हो तो बताओ तो सही भैया, ये क्या है, समस्या क्या है इसमें, आप गहराई में जाके चार छह समस्याएं गिनाओ, समस्याएं गिनाने के बाद अपनी बात पे अड़े रहो, जैसे कि राकेश टिकैत आपका पलट जाता है वैसे ही पलटी मत मार जाओ। राकेश टिकैत अब बोलता है कि दिक्कत नहीं है कि कंपनियां आ रही हैं या एमएसपी, दिक्कत नहीं है, हम तो एमएसपी की मांग करते हैं, सबके लिए एमएसपी की मांग करते हैं। राकेश टिकैत जी, बाजार ऐसे नहीं चलता है, कि कृषि का बाजार बहुत बड़ा है, आप सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में एक ऐसा नियम लाया गया था जिसमें कहा गया था कि अब से कोई भी अनाज एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। स्थिति यह हो गई कि जब अनाज का मार्केट डाउन हुआ तो कोई कंपनी घाटे में सौदा करेगी नहीं, कंपनी वालों ने माल खरीदना बंद कर दिया, किसानों का माल बिकना बंद हो गया, किसान जहां कुछ पा भी जाते थे वो भी पाना बंद हो गए। जब परेशान हुए लोग तो लोगों ने कहा यार पहले से व्यवस्था जो थी वही करने दो, यही बाजार की व्यवस्था होती है। आज अगर आप बाजार से सोना खरीदते हैं या पेट्रोल खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, अब सरकार कह दे कि आज के बाद 80 रुपए से नीचे आलू नहीं मिलेगी, आप सोच सकते हैं कि जब आप जैसे ठंडियों में आलू ज़्यादा होती सस्ती हो जाती है तो बेचने वाले को भी फायदा होता है, और जो आम लोग, बेचने वाले को कम फायदा अगर होता है तो आम जो खरीदार हैं शहरों में रह रहे हैं जो निर्भर हैं उन्हीं पे, उनको भी तो कभी एक ऐसा मौका आता है चीज़ें सस्ती मिलती हैं। मार्केट का मतलब ही होता है अप्स एंड डाउन्स, बढ़ना घटना, अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब ऐसे में कोई भी व्यापारिक कंपनियां घाटे में सौदा नहीं करेगी। यही चीज़ हुई चीनी मिलों को लेके, गन्ने को लेके भी एमएसपी फिक्स कर दी गई या तय रेट कर दिया, इससे नीचे गन्ना नहीं बिकेगा, चीनी मिलों ने गन्ना खरीदना बंद कर दिया या लेट लतीफ करने लगे, तमाम चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, टेक्निक को समझना पड़ेगा। सबसे बढ़िया उदाहरण दूध वाला है, आप दूध कंपनियां आती हैं, दूध आपसे खरीदती हैं, कोई एमएसपी कुछ भी नहीं है, लेकिन बेहतर रेट मिल रहा है और अच्छा रेट में बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, पी रहे हैं अच्छे रेट में, 50 रुपये में हम शहर में खरीद भी लेते हैं और 45-50 रुपये में हमारा बिक भी जाता है, 4-6 रुपये का प्लस माइनस होता है। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिलहाल राकेश टिकैत का विरोध कई किसान नेता कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर देश में राकेश टिकैत का विरोध हो रहा है, और ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, कई जगह लोगों ने पुतले भी फेंके हैं, फूके हैं, और कई जगह लोगों ने कहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।